अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ फॉर टुडे। वी विल डिस्कस एडिंग वन मोर। जी, लुक एट दिस, एडिंग वन मोर कि हम आज प्लस के क्वेश्चन करेंगे। पहले भी किए हुए हैं, हम रिपीट कर रहे हैं ये सारा काम। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कैटरपिलर कैटरपिलर हाउ मेनी स्पॉट्स। पूछ रहे हैं कैटरपिलर कैटरपिलर आपके ऊपर कितने स्पॉट्स बने हैं। ये जो सर्कल्स हैं ये स्पॉट्स हैं। थ्री स्पॉट्स एंड वन मोर, वगैरह थ्री स्पॉट्स बने हैं और वन मोर एक और है बनाया है, तो कितने बन गए? फोर स्पॉट्स। ये देखिए, वन टू थ्री बने थे, एक और बना दिया तो कितने बन गए? फोर। थ्री और प्लस वन को मतलब जमा किया तो कितने हो गए? फोर। जी, अब यहाँ देखिए क्या, कैटरपिलर कैटरपिलर हाउ मेनी स्पॉट्स। यहाँ भी यही पूछा गया है, कैटरपिलर कैटरपिलर कितने स्पॉट्स हैं? फोर स्पॉट्स, वन मोर मेक फाइव। वो कह रहे हैं फोर स्पॉट्स थे, वन एक और बनाया तो फाइव हो गए। ये देखिए, वन टू थ्री फोर थे, अब उसके अंदर वन हमने एक और ऐड किया तो कितने हो गए? फाइव। फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। जी, अब ये कैटरपिलर के ऊपर देखते हैं कितने स्पॉट्स। वन टू थ्री, तो यहाँ पर हमने क्या राइट किया? थ्री। ये किसका साइन है? प्लस का। प्लस का क्या मतलब होता है? जमा करना। ये क्या राइट हुआ है? वन। तो यहाँ पर हमने क्या किया? वन स्पॉट बना लिया। अब हम इन सबको काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर, तो कितना आंसर आया हमारे पास? फोर। थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर। जी, अब ये देखते हैं कैटरपिलर के ऊपर कितने स्पॉट्स बने हुए हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। जी, जो उन लोगों ने बनाए वो कितने बनाए हुए हैं? सिक्स। तो यहाँ पर हमने क्या राइट किया? सिक्स। ये किसका साइन है? प्लस का। प्लस का क्या मतलब होता है? जमा करना। जी, ये क्या राइट हुआ है? वन। तो यहाँ पर हमने कितने स्पॉट बनाने हैं? वन। तो अब हम सबको काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो कितने स्पॉट्स हो गए? सेवन। सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। जी, अब ये येलो कलर के स्पॉट्स कितने हैं? वन टू थ्री फोर। कितने हैं? फोर। तो यहाँ पर हमने क्या राइट किया? फोर। ये किसका साइन है? प्लस का। प्लस का क्या मतलब होता है? जमा करना। ये क्या राइट हुआ हुआ है? वन। जी, हमने कितना स्पॉट बनाने हैं? वन। तो यहाँ पर हम क्या? वन स्पॉट बना लेंगे। अब हम सबको काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो कितने हो गए? फाइव। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? फाइव। फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। जी, अब आखिरी क्वेश्चन है। अब देखते हैं ये ऑरेंज कलर के स्पॉट्स कितने बने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने स्पॉट्स हैं? सेवन। तो यहाँ पर हमने क्या राइट किया? सेवन। ये किसका साइन है? प्लस का। जी, अब ये क्या राइट हुआ हुआ है? वन। जी, तो अब हम सेवन के अंदर हमने वन ऐड किया तो कितने हो गए? अब हम काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। जी, कितने स्पॉट्स हो गए? एट। सेवन प्लस वन इज इक्वल टू एट। इज इट क्लियर? अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेम एनी फाइव बॉडी पार्ट्स। फेस, हेयर, ईयर, आई, लिप्स, नोज, टीथ, टंग, हैंड, आर्म, लेग, फुट। वट इज़ द कलर ऑफ योर हेयर? जिसका ब्लैक है वो ब्लैक कहेगा, जिसका ब्राउन है वो ब्राउन कहेगा। विच ऑर्गन्स यूज फॉर साइट? आइज। विच ऑर्गन्स यूज फॉर स्मेल? नोज। हाउ मेनी सेंसेज आर देयर? नेम दैम। फाइव सेंसेज, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, हेयरिंग। वट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स कैन ईट, ड्रिंक, ग्रो एंड मूव। इज बॉय अ लिविंग थिंग? यस ही इज। वाई इज ट्री अ लिविंग थिंग? बिकॉज इट कैन ग्रो। कार मूव्स विद पेट्रोल, देन वाई इज इट नॉट अ लिविंग थिंग? बिकॉज इट कैन नॉट ग्रो। नेम समथिंग यू सी एट डे टाइम, के दिन के टाइम आसमान पर हमें कौन कौन सी चीज़ें नजर आती हैं? सन, क्लाउड्स, रेनबो, एरोप्लेन, काइट, बलून्स। सन, क्लाउड्स, रेनबो, एरोप्लेन, काइट, बलून्स। जी, अब हम सोशल स्टडी के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेम सम बॉयज ड्रेसेस। कुर्ता, शलवार, शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, वेस्ट कोट। नेम सम गर्ल्स ड्रेसेस। कमीज, शलवार, दुपट्टा, फ्रॉक, स्कर्ट। What do you like to wear? Boys कहेंगे कुर्ता शलवार, girls कहेंगी फ्रॉक। Name something which are required to keep ourselves clean. Soap, shampoo, nail clipper, toothpaste and brush, comb. What are the uses of following things? कि ये इन चीज़ों से हम क्या क्या इस्तेमाल क्या क्या कर सकते हैं। Soap and shampoo से हम क्या करते हैं? To take bath. Soap and shampoo, to take bath. Nail clippers, to cut the nails. Toothpaste and toothbrush, to brush the teeth. Comb to comb the hair. I hope you are understand. Now you are start your work.